हम लोग कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हम जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसकी जो रो है ये कॉलम में बदल जाएंगी। मतलब ये ऐसे आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, और फिर ये वाली रो भी ऐसी हो जाएगी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये भी ऐसे हो जाएगा 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये हो जाता है, इसमें रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स ली है, मैट्रिक्स हमने ले रखी है पहले से ही है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रोज और 3 कॉलम है इसमें। अब इसको बस प्रिंट कराना है, और इसको इस तरीके से प्रिंट कराना है कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक लूप चलाया रो के लिए 3x3 का, ये रो का लूप है और ये कॉलम का लूप है, 3x3 का, 3 0 से लेकर 3 तक, मतलब 0 1 2, तो लेस देन 3 2 2 होता है, और दूसरा कॉलम का लूप है 0 से लेकर 3 तक 0 1 2, ठीक है। अब इसमें हम मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे, तो आई जे ना करके हम लोग यहाँ पर जे आई कर देंगे, और बस प्रिंट हो गया। इसके बाद यहाँ से ये नीचे से हम हटा देते हैं जो भी है सारा, इसको डिलीट मार, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और कंट्रोल एफ नाइन मारेंगे हम लोग। ये देखो कंट्रोल एफ नाइन प्रेस किया तो ये हमारा आ गया, हमारी मैट्रिक्स ये है, देखो मैट्रिक्स हमारी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आउटपुट कैसे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने लूप चलाया 0 से लेकर 3 तक, फिर 0 से लेकर 3 तक, है ना, और फिर अंदर आके मैट्रिक्स आई जे प्रिंट कराया। तो देखो इनिशियली 0 है, आई 0 है, 0 लेस देन 3 होता है, कंडीशन ट्रू हो गई, हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। जे को चेक किया, जे फिर से 0 है, 0 भी लेस देन 3 होता है, हमने बोला मैट्रिक्स का जे आई प्रिंट कराओ, जे आई मतलब जे भी 0 है आई भी 0 है, तो हमने बोला 0 रो 0 कॉलम प्रिंट कराओ, मैट्रिक्स का 0 रो 0 कॉलम प्रिंट कराओ, 0 रो 0 कॉलम इज 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। ये देखो इसके बाद ये लूप यहाँ से वापस आएगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 1, 1 लेस देन 3 होता है, तो इस बार मैट्रिक्स का जे आई मतलब फर्स्ट रो का 0 कॉलम, तो ये चीज़ फर्स्ट रो और 0 कॉलम में बदल जाएगी। अब फर्स्ट रो के 0 कॉलम की बात करें तो फर्स्ट रो का 0 कॉलम क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, तो देखो 4 प्रिंट हो गया, फर्स्ट रो का 0 कॉलम 4। इसके बाद फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे इस बार 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 3 है, तो मैट्रिक्स का जे आई दूसरी रो का 0 कॉलम, तो दूसरी रो का 0 कॉलम की अगर हम बात करें, दूसरी रो का 0 कॉलम हमारा 7 है, तो यहाँ पर 7 आ गया। उसके बाद हम वापस जाएंगे जे प्लस प्लस, जे 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 3, दिस कंडीशन विल फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर, और बाहर एक स्टेटमेंट है स्लैश एन जो न्यू लाइन में चली जाएगी, यानी कि न्यू लाइन प्रिंट करेगी, तो न्यू लाइन की वजह से क्या होगा, हमारा कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, 1 भी 3 से छोटा होता है, जे का लूप फिर से चलेगा 0 से लेकर 3 तक, 3 बार फिर से चलेगा। अब बात होगी 0 रो का फर्स्ट कॉलम जे प्लस प्लस, पहली रो का पहला कॉलम जे प्लस प्लस, और दूसरी रो का पहला कॉलम। तो अब बात इस वाले की हो रही है, बीच वाले कॉलम की, है ना, तो वो इसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। कैसे प्रिंट कराएगा, जे हमारा कितना हो चुका है, जे हमारा 0 हो गया वापस, आई हमारा कितना हो चुका है 1, तो 0 रो का फर्स्ट कॉलम, 0 रो का फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 2, तो यहाँ पर देखो न्यू लाइन में 0 रो का फर्स्ट कॉलम 2 प्रिंट हो गया। नाउ जे विल बिकम प्लस प्लस, जे विल 1 1 हो गया, 1 लेस देन 3, तो 0 रो का नहीं सॉरी जे हमारा 1 हो गया है, तो अब पहले रो का पहला कॉलम, तो 1 1 ये हो गया 5, पहले रो का पहला कॉलम, तो अब यहाँ पर 5 आ गया, और 5 ही हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर जे प्लस प्लस होगा, तो दूसरी रो का पहला कॉलम दैट इज 8, और फिर 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यू लाइन में चले जाएंगे, और फिर यही प्रोसेस तीसरी वाली रो के लिए भी चलेगी, है ना, तीसरे वाले कॉलम के लिए। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, पूरी रो किस में बदल जाएंगी हमारी कॉलम में, ठीक है, और हमारा आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो ये होता है ट्रांसपोजिशन, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं।